Hi guys, I welcome you all once again on Insights' YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be part seven of सीडीएस करंट अफेयर्स दैट इज फॉर फेबररी मंथ एंड इससे पहले वाले कुछ करंट अफेयर्स हैंट आर रिमेनिंग एंड विल बी अपलोडेड अभी विद इन टेन डेज ऑल ऑफ देम विल बी अपलोडेड बिकॉज अभी तक हम इफ कैट ही प्रेपेरेशन कर रहे थे नाउ वी आर शिफ्टिंग इट कंप्लीटली टू सीडियस प्रेपरेशन एंड जैसा मुझे रिस्पॉन्स इफ कैट में मिला है आई एम रोली रोली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग माई एफर्ट्स एंड सेंडिंग दीज ब्यूटिफुल मैसेजेस वैम सारे जीएस के क्वेश्चन एंड लिटरलीस आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव अमेजिंग स्टूडेंट्स लाइक यू एंड टॉक द्रैश कोर्सली रली वेरी हैप्पीन सी दैट ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन जो आपकेजन वीडियोज मैंने डाले थे एंड अगर जीएस किसी ने अगर पढ़ ली धुआं धुआ कर देगा लाइक दीज काइंड ऑफ मैसेजेस आई वॉज गेटिंग नॉट ओनली फॉर जीएस बट फॉर मैथ एटसेट्रा वोट

डीड फॉर सीडियस वो तो कोई भी मैं छोड़ना बिकॉज वहां से डायरेक्टली तुम्हें छह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पिछले तीन बार से डायरेक्टली फाइव टू सिक्स क्वेश्चन तो मेरी सिर्फ फिफ्टी करंट अफेयर वाली वीडियो से आते हैं इस बार मैं हंड्रेड करंट अफेयर्स कराऊंगी सैम प्रड्यश और उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स विद द वीडियो एंड बिफोर देट आई विश टू टेल यू वन थिंग की जो आपकी लास्ट फोर मंथ्स हैं ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है कौन कौन से फोर मंथ्स द फर्स्ट वन इज नवंबर Second is December. फिर है जैन और फिर है फेब ये चार महीने सबसे ज्यादा जरूरी हैं इन पे मेजर फोकस रखना और इससे पहले भी मैंने अगर आपको देखोगे तो मैंने अगस्त से स्टार्ट कराई है आपकी करंट अफेयर्स करने वो थ्री मंथ्स भी है लेकिन ये लास्ट के फोर मंथ्स में से ऑलमोस्ट आप मानकर चलो सेवेंटी परसेंट क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स यहीं से आएंगे ओके okay? सो so, इनको तो बहुत अच्छे से करना है एंड ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू लीव ऑगस्ट एंड सेप्टेम्बर फॉर श्योर और मार्च uh, में भी हम दस दिन के एटलीस्ट कवर करेंगे वो मैं हंड्रेड करंट अफेयर्स में डायरेक्ट कवर करूंगी मार्च uh, के करंट अफेयर आपके नहीं आएंगे ट विल बी कवर्ड इन हंड्रेड करंट अफेयर इट्स सेल्फ सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट और इससे पिछले वाले पार्ट पार्टअप वन बाय वन कवर होते जाएंगे कमिंग टू द फर्स्ट वन एंड दिस इज रिगार्डिंग शिप्स ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दैट इज गल्फ ऑफ एडम जो है यहाँ पर इंडियन नेवी कौन सी वॉरशिप थी जिसने डिस्ट्रेस कॉल जो कि इमान ने दिया था इमान क्या एक ईरानियन फिशिंग वेसल है उसने डिस्ट्रेस कॉल दिया और जाके रिस्पॉन्ड बैक किया इस चीज़ को एंड उनको निकाल के लाए रेस्क्यू किया हाईजैक्ट इरानियन फिश वेसल को सो इसका जो आंसर दैट इज आई एन एस सुमित्रा ने यह किया है एंड इट

ठीक है शॉर्ट रिटेलिएशन के लिए स्टैंड करता है टॉकिंग अबाउट समर जो समर है ये भी रिसेंटली वायु शक्ति एक्सरसाइज जो कि होस्ट की गई थी इन द पोखरन रीजन दैट इज इन जैसलमेर के पास ही है जैसलमेर राजस्थान भी बोल सकते हैं आप इसके लिए है ना यहाँ पर ये होस्ट की गई थी वहां पर शो किया गया शो किया गया फर्स्ट टाइम दिस पर्टिकुलर सैम एंड ये एडवांसिंग केपेबिलिटीज को शो कर रही है एडवांस केपेबिलिटीज ऑफ मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंडिया इज होल्डिंग नाउ एंड इज डेवलपिंग उसके बाद आती है एक्सरसाइज और कहाँ होस्ट हुई है ये हमें मैच करना है और इसमें इनकरेक्ट को हमें मार्क करना है सो टॉकिंगउट द फर्स्ट वन वायु शक्ति अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया कहाँ हुई थी जैसलमेर है ना पोखरन वाला जो एरिया वहाँ पर हुई थी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन और हाँ एक और चीज ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स टू पार्टन इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉकिंग बाउट द नेक्स्ट वन दैट इज मिलान मिलान एक्सरसाइज का ये ट्वेल्थ एडिशन था और ये जो होस्ट हुई है दैट इज एट दशाखापट्टनम कोस्ट ओके एंड ये जो एक्सरसाइज है इसमें 50 कंट्रीज से ज्यादा ने पार्टिसिपेट किया एंड इट इज अ ग्लोबल मेरी टाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज एंड इट्स थीम इज बेसिकली एनहेंसिंग ग्लोबल मेरी टाइम सिक्योरिटी और ये किसकी है नेवी की एक्सरसाइज है सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट फिर आते हैं दोस्ती सिक्सटीन इसका आप सिक्सटीन से पता लगा सकते हैं सिक्सटीन एडिशन था ओके एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वाज होस्टेड इन मॉलडीव बिल्कुल सही है इसमें ये ट्राई एक्सरसाइज है मतलब तीन इसमें देश हैं कौन कौन से हैं एक तो इंडिया है ठीक है सेकेंड जो मॉल है और जो थर्ड वाला है दैट इज श्रीलंका ओके एंड दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज इज अगैन अ नेवल एक्सरसाइज एंड अलोंग विद दिस इस बार बांग्लादेश जो है इट वॉज इट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट एज एन ऑब्जर्वर फिर आते हैं धर्मागार्जन ये जो एक्सरसाइज है दिस वॉज इन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि कहाँ पर है दिस इज इन राजस्थान अगैन और ये जो होस्ट होती है दैट इज बिटवीन जापान एंड इंडिया लेकिन यहाँ पे ये जापान में नहीं हुई थी महाजन फील्ड एरिया uh, में हुई थी दैट्स why इसका जो आंसर है यहाँ क्या पूछा था इनकरेक्टली पूछा था सो so ये कहाँ होस्ट हुई थी महाजन फील्ड uh, एरिया में नॉट इन जापान सो इसका आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टेड फास्ट डिफेंडर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर दिस क्वेश्चन कैन कम अप इन एग्जाम बिकॉज ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जनवरी में होल्ड की गई थी एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज वॉज लार्जेस्ट इन यूरोप इन डेकेट मतलब सालों साल में ऐसी एक्सरसाइज नहीं हुई है नाइन्टी थाउजेंड ट्रूप से ज्यादा जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है एंड दिस वॉज बाय नेटो दैट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आई गेस ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट एंड इट्स कमिटमेंट कि वो कलेक्टिव डिफेंस शो करें एंड इट्स ड्यूरिंग द रीजनल टेंशन जो आप देख रहे ना रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस दौरान इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है फिर आते हैं अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्वेलेंस सिस्टम कहाँ इनग्रेट किया गया यह जरूरी क्यों है आ, ऐसे तो बहुत चीजें इनोग्रेट हो रही हैं यह जरूरी इसलिए क्योंकि निकोबार आइलैंड में हुआ है अंडमान से रिलेटेड जितनी भी चीजें बहुत जरूरी है एज पर टू एग्जाम परस्पेक्टिव तो कहीं पे भी देखो तुम आइलैंड्स चाहे लक्षद्वीप चाहे अंडमान्स वो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा एंड दिस वॉज इनाग्रेशन वॉज डन बाय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दैट इज एडमिरल आर हरी कुमार आई गेस आप सबको ये पता ही होगा मतलब आई डों इवन नीड टू टेल यू दिस यू गा इज अ डिफिट आस्पेरेंट इतना तो आपको नॉलेज होगी ही एंड दिस वॉज ड्यूरिंग हज विजिट टू अंडेमान एंड निकोबार कमांड अंडेमान एंड निकोबार कमांड में जब उन्होंने विजिट किया मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज हुआ फॉलोइंग इज नॉट अमंगस्ट फोर पायलट जिनके नेम अभी डिस्क्लोज किए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दैट दिल बी गोइंग फॉर गगनयान मिशन जो कि इजरो का बेसिकली प्रोजेक्ट है सो so, ये सारी के सारे सुथोटी पायलट्स हैं ना एंड देर बीन सेलेक्टेड एज दस्ट टू नॉट नाउ एंड वेरी रनाउन थिंग ये तुम्हें तो भी यार चांस मिल सकता है करने को सो so, मेहनत कर लो थोड़ी सी uh, हो सकता है थोड़े दिन बाद तुम्हारी फोटो आ रही हो एंड आई बी सो ग्लेट टू सी दैट मेरे स्टूडेंट्स इतना अच्छा कर रहे हैं ठीक है सो so, uh, में से अच्छा जरूर कमेंट करना नीचे हु ऑल वॉन्ट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स एज पायलट नॉट जस्ट फाइट पायलट बट एज पायलट बी इट चॉपर बी अट ट्रांसपोर्ट बी इट फाइटर्स वट ओके सो so, इसका जो आंसर है दैट इज ग्रुप कैप्टन वरेंद्र सिंह ऐसे कोई नहीं है जो जा रहे हैं सो ग्रुप ग्रुप कैप्टन पी बालाष्णन नैयर जा रहे हैं उसके बाद विंग कमांडर एस शुक्ला इज गोइंग ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन एंड इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप जा रहे हैं ठीक है सो दीज आर द फोर रनाउंड जा रहा है एंड इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो वीरेंद्र सिंह है ये कौन है ये हवलदार वीरद्र सिंह है और इनको क्या मिला है विशिष्ट सेवा मेडल किस चीज़ के लिए मिला है बिकॉज इन्होंने एक मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर जो है उसे डेवलप करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है एंड ये uh, एक इनोवेटिव ड्रोन टेक्नोलॉजी है एंड मिलिट्री ऑपरेशंस में काफ़ी यूजफुल रहेगी उसके बाद आते हैं बात हवलदार प्रीति रजक ये जो है शी इज एक्चुअली ट्रैप शूटर इन इंडियन आर्मी और ये हिस्ट्री बनाती है बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल सूबेदार फर्स्ट फीमेल सूबेदार बनी है दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइक दिस 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 थिंग कैन बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन एंड टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको याद रखनी है बहुत जरूरी है और इसलिए मैं बहुत बड़ा बड़ा लिखने वाली हूँ व्योम मित्र दिस कैन बी आस्ट इन एग्जाम वॉट एग्जैक्टली इज व्योम मित्र इट्स अ फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट क्या है फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इजरो जो है उसने डेवलप की है एंड ये गगनयान मिशन के लिए ही डेवलप किया गया है शी विल बी गोइंग अलॉन्ग एंड इसका जो मेन रोल रहेगा दैट इज़ मॉनिटर करना मॉड्यूल पैरामीटर्स को अलर्ट इशू करना लाइफ सपॉर्ट ऑपरेशन सो दैट्स वाई इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नाउ जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन टू यू ऑल बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हाउ मैनीटेड समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े कहाँ से रिवाइज करे बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं मुझे चीजें याद क्यों नहीं रहती हाउ मैन यू फील दैट आई होप लू बट प्लीज यार डिमोटिवेट मत हो आखिरी का एक महीना बहुत मैटर करता है आपके सामने एक मिसाल है यहाँ पे सीर रशब ही वॉज पार्ट ऑफ आर इनसाइट ऑफ सिज बी खराश कोस एंड ही मेड इट टू ऑल इंडिया रैंक अलेवन इफ ही कैन डू इट यार तुम भी कर सकते हो नॉट अ बिग डील एक्चुअली बता रही हूं मतलब इट वॉज नॉट इवन फर्स्ट अटेम्प्टिस वॉज यू नो ही एक्चुअली वेरी हार्ड फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू जैसे कैट में तुम्हें सपोर्ट किया इन द सिमिलर वे आई एम देयर टू टू हेल्प यू आउट क्रिएट अ प्रॉपर प्लान जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे स्मार्ट वर्क के थ्रू सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है प्रॉपर रिविजन करेंगे बिकॉज अगर तुम सिर्फ पढ़ते रह गए तुमने कितनी बुक कंप्लीट की कितनी लक्ष्मीकांत पढ़ी क्या पढ़ा एनसीआर कितनी

एग्जाम में और तुम वही नहीं कर रहे हो सो so, इसके लिए आई हैव टेकन एन इनिशिएटिव जैसे मैंने कैट में किया था सेम वे सभी स्टूडेंट्स के के लिए inside के, जितने भी बच्चे हैं टॉपिक वाइज मैं तुम्हें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी टाइम टेबल है जाके डाउनलोड कर लो इसको अपने स्टडी डेस्क पे लगा दो चाहे तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो आज की डेट में किसी भी कोर्स में हो किसी भी uh, अपनी सेल्फ स्टडी करो वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग मेक श्योर दैट यू कम ह्योर डाउनलोड दिस टाइम टेबल सबके साथ प्रेपेरेशन स्टार्ट करो डे वन से आपकी दिन में आई विल गिव यू डी आई वाइज दैट इज कंप्लीट करो टॉपिक उसके बाद डू इट योर वाले कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां से एक्जैक्टली एफ कैट में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे यहां से सीबीएस में भी होंगे डूइट योर सेल्फ करने के बाद शाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रैक्टिस टॉपिक वाइज और आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन केस तुमने कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रखा और या फिर डाउटफुल हो कि नहीं समझ आ रहा कहां से टॉपिक्स आएंगे ये भी नहीं समझ आ रहा कि रिविजन uh, किस तरीके से करें एसेट्रा एटसेट्रा आई गेस जाबाज अपने आप में एक मिसाल रहा है एफ कैट वन के लिए और सेम सीबीएस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए भी रहेगा बच्चों का सिर्फ एक ही आंसर था एग्जाम वो सुपर ओबन आई आस्ट कि एग्जाम कैसा रहा हर चीज में डायरेक्टली uh, क्वेश्चंस देखने को मिले हैं बीट मैथ्स व्हाट्स एवर मतलब जिन बच्चों के uh, मैथ्स में ऐसा हाल होता था, था कि पांच क्वेश्चन भी करने मुश्किल हो रहे थे दोज पीपल कुड एक्चुअली डू 15 प्लस क्वेश्चंस इन मैथ्स एंड इट्स एक्चुअली अ बिग डील फॉर पीपल हु हैव नेवर बीन एबल टू मेक इट क्लोज टू गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इन दिस यू डोंट हैव टू स्टडी एनी एक्स्ट्रा बुक एनसीआर एवरीथिंग विल बी कवर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना हमारी जिम्मेदारी है एंड आखिरी में तुम्हें यहाँ पर मिलेंगी रिविजन वीडियोज़ और ये वीडियो ऐसी होती है दैट हर बैच का स्टूडेंट बोलता है मैम जल्दी से ये वीडियो डाल दो बिकॉज एक घंटे में एक जो भी आपका सब्जेक्ट है वो कवर होता है जैसे बायो है फिजिक्स है केमिस्ट्री है और उसमें से एटलीस्ट दो से दो से तीन क्वेश्चन डायरेक्टली उस एक घंटे की वीडियो से आते हैं सो so, आखिरी में कुछ इस तरीके की रिवीजन भी कराई जाएगी सो बी अ पार्ट ऑफ जाबाज बैच लास्ट टाइम 600 प्लस स्टूडेंट्स वर देयर इन एफ कैट एंड आई एम श्योर मोर देन 100 ऑफ दी 600 स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग टू प्लस मार्क्स इन एफ कैट और फोर्टी प्लस मार्क्स इन जी इज माई गारंटी मेक श्योर यू बी अ पार्ट ऑफ इट फिफ्थ मार्च से स्टार्ट है और इसमें टोटल फाइव ही सीट्स हैं एंड टॉकिंग अबाउट लास्ट सीट्स कुछ ही बची हैं एक्चुअली लास्ट 50 स्टूडेंट्स uh, के लिए 500 ऑफ है गो एंड अवेलड राइट अवे Coming to the next one, that is who is said to be conferred with Bharat Ratna Award. Bharat kya hai? It is the highest civil award in India. And then in government announced that usually it is given to total, uh, like maximum of uh, three people, but this time it was given to five. And that's why it's very, very important this time. Okay. And these uh, names hai, they are like ex prime minister hai So that's why it is a little more important, ex CMB So So uh, coming to the answer for the same, PV Narasimha Rao. एम एस स्वामीनाथन एल के अडवाणी चौधरी चरण सिंह इन सबको दिया गया है अलोंग विद डेम देर इज अनादर नेम दैट यू शुड नो दैट इज कपूरी ठाकुर ठीक है इन्हें भी मिला है सो so आंसर क्या हो जाएगा ई दैट इज ऑल ऑफ द वाओ उसके बाद आते हैं फ्रांस का जो हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है वो किसको दिया गया है द आंसर फॉर द सेम इज शशि थरूर ठीक है Uh, इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए पीटी उषा जिनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी बोला जाता है शी हैज बीन अवॉर्डेड लाइफ टाइम अचीवमेंट एखोलेड ठीक है लाइफ टाइम अचीवमेंट एखोलेड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाई शी इज गॉट दिस बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन एथलेटिक्स एंड ये क्वेश्चन अगैन एग्जाम में मतलब कौन सा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में ध्यान देना ऑल ओवर इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट में पूछा गया दिस इज द फर्स्ट इन द नॉर्थ ईस्ट जिसने हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन जो है वो हर घर जल स्कीम में अचीव की है वोट इज दिस स्कीम दिस इज बेसिकली हर घर में पाइप वाटर एंड क्लीन वाटर पहुंच सके सो दिस इज द स्कीम ऑल अबाउट एंड इसका जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस इज अबाउट नोएडा सो नोएडा जो है इसको टाइटल दिया गया है वॉटर वॉरियर का

एंड इनोवेशन ठीक है याद रहेगा इसका जो मेन काम है दैट इज वुमन को एम्पावर करना वेन इट कम्स टू स्टेम स्टेम स्टैंड फॉर वॉट स्टेम इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो फील्ड हैं ठीक है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मेडिसिन ठीक है इसमें इंक्लूसिव uh, मतलब इंक्लूसिव करना ऑल द वुमेन बिकॉज जेंडर डिस्पैरिटी एक्सेट्रा देखी जाती है तो इंक्लूसिवनेस शो करना इज द मेन थिंग सो ये एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन वुमेन को गर्ल्स को ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स जो कि कब सेलिब्रेट किया जाता है इट इज ऑन इलेवेंथ फेब ओके तो उस दिन ये रिलीज किया गया है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज घर घर जो है अगेन दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक है ये लॉन्च किया गया है इस पोर्टल का क्या काम है इट इज टू पुट इन एफर्ट्स ताकि चाइल्ड के चाइल्ड प्रोटेक्शन मेजर्स जो हैं वो ले सके एंड इसके थ्रू ट्रैक करते हैं मिसिंग चिल्ड्रन को भी uh, जितने भी मिसिंग चिल्ड्रन हैं उनको ट्रैक करना इज द मेन थिंग और उनको जितने भी रिस्टोर कराना रिपेट्रिएट कराना uh, थ्रू जस्टिस सिस्टम एटसेट्रा ये वाला जो काम है दैट इज बाय घर टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अग्ञान एंड इसका क्या आंसर हो जाएगा स्वाति पोर्टल किसके लिए है एम्पावर वुमेन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है Coming to the next one, that is avian influenza virus. Which kind of uh, this virus is suspected uh, of king penguin. These are the type of penguins that are seen in Antarctica. Okay, so uh is answer hai, that is H5N1. Please take a note of it, it's very very important. This question is the exam. Mein. And iske you should also know about uh, Quinling research. स्टेशन ठीक है ये जो है एंटार्क्टिका में स्टेशन डेवलप किया है किसने किया है चाइना की स्टेब्लिशमेंट है एंड यहां से वो पूरा एक्सप्लोरेशन ऑफ एंटार्क्टिका एवरी थिंग टेकिंग केयर ऑफ ओके एंड ये भी आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो पता होना चाहिए दैट इज टी सी वी टाइप बार वॉट एग्जैक्टली इट टीसीवी स्टैंड फॉर टाइफॉइड कॉन्जुगेट टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन ठीक है दिस इज वाई दिस इज इम्पोर्टेंट अभी बताती हूँ मैं आपको सो so, ये जो वैक्सीन uh, है दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय हुम दिस इज डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक और इसका फेज थ्री ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे थे एट मालावी दैट इज इन एफ्रीका ओके एंड एंड ये जो है इट इज कर्बिंग टाइफॉइड फीवर एंड दिस इज वर्ल्ड फर्स्ट क्लिनिकली प्रूवन कॉन्जुगेट typhoid vaccine and this is why it is very very important please take a note of it star mark kar lo, this question can be asked in the examination कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये जितने भी इमरजेंसी रिगार्डिंग क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच कंट्री इज करंटली फेसिंग हीट वेव एंड इंटेंस वाइल्ड फायर जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है द क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट आता है कैमरून कैमरून जो है नहीं यहाँ पे तो नहीं हुआ है एक्चुअली कैमरून जो है दिस इज इन सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका और अभी इसने नागोया प्रोटोकॉल जो है उसको क्या किया है एक्सेप्ट uh, कर लिया है एंड इट एम्ब्रेसिंग इट एंड वट एग्जैक्टली इज दिस नागोया

टू मेक इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरीज जो हैं एज यू गाइज नो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है दैट इज़ वेरी मच इन यूज तो इलेक्ट्रिक कार् में इसको यूज किया जाता है एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज उनके लिए इकोनॉमिक बूस्ट होने वाला है वैन इट कम्स टू के निया कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज चिली सो इसका जो आंसर है दैट इज चिली चिली जो है यहाँ पे हीट वेव एंड इंटेंसिव वाई फाई देखी गई है बिकॉज ऑफ विच वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू लाइव वर लॉस्ड एंड मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयमेंट वॉज देयर टू असिस्ट द एरियाज सो दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैन कमिंग टू द नेक्स्ट वन कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर की नेशनल इमरजेंसी बिकॉज ऑफ ऑयल स्पिल ऑफ इट्स कोस्ट सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन एज वेल फर्स्ट आते हैं हम सऊदी अरेबिया सो सऊदी अरेबिया में अभी जो फर्स्ट लग्जरी ट्रेन वेन इट कम्स टू मिडल ईस्ट जिसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट ये क्या की गई है दिस हैड बीन दिस हैड मेड इट्स डेब्यू देन आते हैं नेक्स्ट वन ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जो है वहां पर क्या किया गया है पर्थ में सेवेंथ

एंड देन आते हैं इसका जो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दैट इज थ्रीनीड एंड टोबागो सो यहाँ पे इमरजेंसी वॉज देर बिकॉज ऑलमोस्ट फिफ्टीन किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है दैट वॉज इफेक्टेड ड्यू टू दिस ऑयल स्पिल एंड दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दट इज माल्टा माल्टा जो है उसने भी रिसेंटली आई एस ए दैट इज इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको क्या किया है ज्वाइन किया है देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जर्मनी जो है जर्मनी ने रिप्लेस कर दिया है जापान को फ्रॉम थर्ड लार्जेस्ट इकोनमी ठीक है अब फाइनली पहले जापान होता था अब क्या है द आंसर इज जर्मनी एंड फैक्टर्स फॉर द सेम इज की डिप्रिसिएशन हुआ है ऑफ एन क्या है जापान की करेंसी है

वो कहाँ पर इनाग्रेट किया रिसेंटली इट इज़ इनागरेट इन गोवा एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ध्यान देना इट्स अ वेरी ग्रेट स्टेप वैन इट कम्स टू सी सर्वाइवल एंड दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट

ऑफ दीज ड्रोन्स एंड इंक्लूडिंग फिफ्टीन फिफ्टीन ऑफ सी गार्जुन ठीक है थर्टी वन इन टोटल होंगे जिसमें से फिफ्टीन जो है वो सी गार्जुन uh, है दैन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज सी थ्री नाइन जीरो सो महिंद्रा जो है इट हैज़ कोलेबरेट विद एम्ब्रेयर ऑफ ब्राज़ील ठीक है एम्ब्रेयर ऑफ ब्राज़ील ताकि वो इंडियन एयरफोर्स की एक्विजिशन नीड्स जो हैं दैट इज मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी थ्री नाइन जीरो उसको क्या कर सकें बना सकें एंड दिस विल बी मेड एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव सो दिस इज बेसिकली अ पार्टनरशिप बिटवीन महिंद्रा एंड एम्ब्रयर ऑफ ब्राजील ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अलियर एंटी सेटेलाइट वेपन ये ए सैट वेपन हू इज मेकिंग दिस सो अभी जो है रशिया इज मेकिंग दिस पर्टिकुलर ए सैट दैट इज एंटी सेटेलाइट वेपन एंड इट इज गोइंग टू बी थ्रेट फॉर ऑल द सेटेलाइट दैट आर देयर इन स्पेस ओके एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग रशिया सो वी हैव टेकन लाइक टी सेवेंटी टू टैंक फ्लीट दिस वॉज टेकन फ्रॉम रशिया एंड अब जो है ये इंडियन आर्मी की फ्लीट ये क्या कर रहे हैं हम लोग वी आर नाउ एडवांसिंग और रिप्लेस कर रहे हैं सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू दिंग दैट इज दुर्गा टू सो दुर्गा टू लेजर वेपन सिस्टम जो है यह कौन बना रहा है दिस इज बीग मेड बाई डी आर डी ओ एंड वॉट एक्टली इट इज इट इज टू न्यूट्रलाइज बैलिस्टिक मिसाइल जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह हैं उन सब को क्या करने के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाएगा ओके देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन ह्योर डी जो है डी आर डी ओ अलॉन्ग विद एच ए एल सो देव इनिशिएटेड अपग्रेडेशन ऑफ टू थर्टीज और इसमें लग रहे हो ऑलमोस्ट सिक्सटी थाउजेंड करोड़ रुपीज़ सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई विश टू टेल यू इज दैट इस बारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने काफी बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है दैट इज टोटल वन लाख करोड़ का जेम प्लेटफॉर्म के थ्रू जेम क्या है दिस इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसके थ्रू स्पेंडिंग्स एंड प्रोक्योरमेंट्स किए हैं थ्रू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन योर अभी रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने बोला है दैट इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है उसको क्या किया जाएगा फेंसिंग की जाएगी ऑफ दिस बॉर्डर एंड ऑलमोस्ट वन सिक्स थ्री वन सिक्स फोर थ्री किलोमीटर्स लॉन्ग बॉर्डर है ये एंड दैट्स वाई इट्स अट इम्पॉर्टेंट सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विथ स्टेट वन द मोस्ट मेडल्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पहली बात हुआ कहाँ था तमिलनाडु में नेक्स्ट गेम्स कहाँ होने वाले हैं जल्दी से नीचे कॉमेंट करो देन uh,

सो so, इंडिया का जो हाई कमीशन है उसने नेशनल डेविस कप टीम पाकिस्तान के अंदर जो है होस्ट की है इस बार एंड ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक स्पोर्ट स्पोर्ट्स इवेंट है जो 60 इयर्स के बाद हुआ है आफ्टर 60 लॉन्ग इयर्स एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड दिस इज अ रिलेशन दैट इज़ बींग शेयरड बाय अ टेनिस ठीक है किसके थ्रू टेनिस डेविस कप उसके लिए है सो so याद रखना

ओके okay. देन आते हैं एस वर्ल्ड कप इसमें जो है कौन uh, इंडिया के देवांश सिंह पनवर हैं इन्होंने क्या जीता है फोर्थ अपना गोल्ड जीता है एंड ही इज रिलेटेड टू विच गेम ही इज रिलेटेड टू टेन मीटर एयर राइफल ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रहेगी सारी चीज

वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में होस्ट होने वाला है क्या ये सही है बिल्कुल सही है देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज थर्टी सेवेंथ एडिशन सूरज कुंड मेला का कहा होने वाला है फरीदाबाद में क्या ये सही है येस दिस इज ऑल्सो राइट और ये हर साल कहा होता है फरीदाबाद में ही होता है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज मैच द फॉलोइंग और यहाँ पे दो बहुत जरूरी चीज है जहां से आपको क्वेश्चन देखने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में सो देर आर दीज टू थिंग्स दैट इज रैंकपो स्टेशन एंड इरास्टोस तो ये क्या है वो हम डिस्कस करते हैं सो फर्स्ट आते हैं हम सिक्किम सिक्किम पे डिड नॉट हैव अ रेलवे लाइन ओलियो अभी रिसेंटली रैंकपो स्टेशन हैड बीन इनागरेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड इट इज अग्निफिकेंट माइल स्टोन वेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी ऑपरेशन ऑफ सिक्किम सो so, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन in तो एग्जाम so, किया गया है 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 किया गया है. का largest mosque है ये और अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड इट इज थर्ड लार्जेस्ट समझ गए जरूरी है एंड देन आते हैं करौली आ, जो राजस्थान है यहां पर अभी रिसेंटली आयरन ओर के डिपोजिट जो है वो पाए गए हैं एंड दिस इज़ ऑफकोर्स गोइंग टू इम्पैक्ट स्टेट्स इंडस्ट्रियल लैंडस्केप ऑल टुगेदर फिर आते हैं सिप्रस सो so, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसराइल के जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे थे दे आर एट देवर एट जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट एंड दे मेड अ वेरी वेरी बिग डिस्कवरी वैन इट कम टू दिस प्लेस दैट इज यहाँ पर अंडर वाटर कैनियन जो है अंडर वाटर कैनियन is found somewhere here. Can you see this? यहाँ पे it's very close to Cyprus. ये find out किया गया है and ये geological history जो है Mediterranean region उसको all together काफ़ी ज़्यादा impact करेगा and uh, of course नई नई चीज़ें पता चलेंगी अब यहाँ पे valuable insight of earth past and that's why it's extremely extremely important. तो इसे note down कर लो Cyprus के पास क्या मिला है There is this कैनियन जिसका नाम रखा गया है इडराटोस्थींस ठीक है ऑल्सो अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में आ, आपको पता है यार हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज डूइंग अमेजिंग वर्क सो वर्ल्ड की अगर हम बात करें इंडिया की जो रैंकिंग है वेन इट कम्स टू रोड नेटवर्क सो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टू हैव द गुड लाइक सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क एंड अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे कौन है फर्स्ट पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फिर से ये पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सो वेन इट कम्स टू उत्तराखंड इट बिकम्स द फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसने क्या किया है इंडिपेंडेंस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसे क्या किया है अडॉप्ट किया है वेरी इंपॉर्टेंट अगैन कैन कम अपन एग्जामिनेशन देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अनाउंस किया है बजट स्पीच में वैसे प्रेजिडेंट का क्या काम है यार बजट स्पीच में ये तो रनिंग uh, गवर्नमेंट करती है ना सो आई गेस दिस इज द स्टेटमेंट दैट इज़ रॉन्ग यहाँ पे क्या आएंगे फाइनेंस मिनिस्टर अच्छा अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का शी यूज टू बी डिफेंस मिनिस्टर अर्ली जल्दी बताओ सो so, uh, इन्होंने क्या अनाउंस किया है कि जो भी रूफ टॉप सोलर स्कीम को अडॉप्ट uh, करेगा उन्हें थ्री हंड्रेड यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी मंथली एंड इट्स वेरी वेरी नाइस बिकॉज इसके थ्रू हम रिन्यूएबल एनर्जी को uh, क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने रीजनल सेंटर ऑफ संगीत नाक नाटक अकेडमी जिसका नाम रखा गया है दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र ये हैदराबाद में क्या किया है स्टैब्लिश किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर आते हैं एल एन जी यानी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जहां पे नीति आयोग आ जाता है ना दैट गेट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो एल एन जी एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल Uh, ये एक अभी रिसेंटली रिलीज किया है नीति आयोग ने इन कोलैबोरेशन विद नेदरलैंड्स तो ये याद रखना है नेदरलैंड और नीति आयोग का एक कोलाबरेशन है एंड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट हैड बीन रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या था ये ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पे ये रिलीज किया गया है ट इज वर्ल्ड हाइएस्ट रेलवे ब्रिज ध्यान देना रेलवे ब्रिज है सो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जम्मू एंड कश्मीर और इनागरेट किया है चिनाब के ऊपर बना हुआ दिस पर्टिकुलर ब्रिज एंड इसकी जो हाइट है दैट इज थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन मीटर्स लेंथ की बात करें वन पॉइंट थ्री किलोमीटर्स है एंड इट इज पार्ट ऑफ यू एस बी आर एल प्रोजेक्ट नाउ इट स्टैंड फॉर वॉट यू स्टैंड फॉर उधमपुर एस स्टैंड्स फॉर श्रीनगर एंड बी स्टैंड फॉर बारामूला और ये ब्रिज जो है दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कनेक्शन जो कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए बनाया जा रहा है एंड दिस इज द रेलवे रूट दैट इज बींग मेड ओके सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन आधे ऑन द नेक्स्ट वन दैट इज वॉट इज द थीम ऑफ नाइन्थ रायसेना डायलॉग ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो इसकी जो थीम रही है दैट इज सी

वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है दैट दिस इज गोइंग टू बी द न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज द एटींथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द स्टेट ओके एंड दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज सेपाजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर लोकेटेड है सो दिस इज एक्चुअली लोकेटेड इन त्रिपुरा ओके और ये किस लिए आजकल न्यूज में रही बिकॉज इसमें कुछ रिसेंट एडिशंस किए गए हैं दैट इज टू रॉयल बंगॉल ट्राइब टाइगर्स ठीक है रॉयल बेंगाल टाइगर्स एंड टू लेपर्ड्स दे है बीन एडेड और फोर गोल्डन पिजन्स और सिल्वर पिजन्स पी फाउल्स ये सब एड किए गए हैं एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज विथ स्टेट इन इंडिया हेज हाइस्ट लेपर पॉपुलेशन वाई दिस बीन इन न्यूज बिकॉज ट्वेंटी 2018 से 2022 में एनुअल डिक्लाइन देखा गया 3.4% पॉइंट फोर परसेंट एनुअली सो दिस इज अज डिक्लाइन और अगर हम leopard पॉपुलेशन की बात करें इंडिया में 13,874 के अराउंड है 2018 के अकॉर्डिंग एंड डिक्लाइन देखा गया है सो इस हिसाब से कौन सी जगह ऐसी है जहां पे अभी भी प्रोटेक्टेड हैं काफी अच्छे से so सो दैट इज नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व है सतपुरा टाइगर रिजर्व है यहां तो करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का प्रदेश में सेकेंड रैंकिंग जो है दैट इज ऑफ महाराष्ट्र एंड थर्ड रैंकिंग इज ऑफ कर्नाटका ओके ज जीकन मिसाइल दैट इज अपर सोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है सो थ्री एम ट्वेंटी टू जर्कन मिसाइल टारगेट किया है रशिया ने किसको कबीफ को विच इज़ इन यूक्रेन एंड ये एक हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड इज अराउंड मैक नाइन एंड टेन सॉरी थाउजेंड किलोमीटर रेंज तक इट कैन गो सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैड बीन सीन इन न्यूज इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कमिंग टू द नेक्स्ट वन मणिपुर इज़ फेसिंग चैलेंज वैन इट कम्स टू ट्रेडिशनल थिएटर बिकॉज ऑफ एथनिक वायलेंस दैट इज सीन इन मणिपुर सो वैन वी टॉक अबाउट दिस इसका जो आंसर है दैट इज शुमांग लीला ठीक है सो so, ये क्या है ट्रेडिशनली मणिपुरी थिएटर है जिसके अंदर Uh, जो मेल एक्टर्स हैं वो फीमेल रोल्स uh, जो हैं उन्हें पोर्ट्रे करते हैं और जो ट्रांसजेंडर एक्टर्स हैं वो भी फीमेल कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करते हैं ठीक है एंड इसका जो मेन काम है दैट इज टू एजुकेट पब्लिक रिगार्डिंग व्हाट ऑल थिंग्स जैसे कि सोशल कोई इशू चल रहा है उसके रिगार्डिंग प्ले बना के बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड इट बेटर पॉलिटिकल इशू है या फिर कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है दैट इज डन ओके सो दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लेना दिस कैन कम अपन एग्जामिनेशन देन आते हैं विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली ड्रॉप्ड फ्राम एफ ए टी एफ फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट सो इसका जो आंसर है दैट इज यू ए सो यू ए जो है इट हैज़ बीन रिमूव्ड बिकॉज ऑफ द रिस्कॉज ये जो है क्राइम वॉच लिस्ट इट इज रिगार्डिंग इलिसिट मनी फ्लोज ठीक है लेकिन अगर हम बात करें ऑफ यू ए अभी भी ई यू इसको स्टिल कैटेगराइज करता है एज हाई रिस्क कंट्री अगर हम बात करें मनी लॉन्ड्रिंग की ठीक है टेररिस्ट फाइनेंसिंग की सो ऑफकोर्स इट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम एफ ए टी एफ बट ई यू अभी भी इसको एज मैंने आपको बताया वो रिकोगनाइज करता है देन आधे नेक्स्ट चीज पे दैट इज कौन से स्टेट के अंदर सुदर्शन सेतु विच इज ओखिया बेत द्वार का सिग्नेचर ब्रिज ना ओखा जो है दिस इज एक्चुअली मेन लैंड मेन लैंड है ये एंड uh, अगर हम बात करें बेयत द्वार का ये जो है ये क्या है दिस इज आईलैंड और इसका जो कनेक्शन है ये इस ब्रिज के थ्रू किया गया है और ये जो ब्रिज है ये कैसा है केबल ब्रिज है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट इज़ इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज जो कि इनाग्रेट किया गया है कहाँ हुआ है ये गुजरात में हुआ है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ वर्ल्ड की फर्स्ट वैदिक क्लॉक जो है वो कहाँ पे इंस्टॉल की गई है दैट इज इन उज्जैन मध्य प्रदेश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सिचुएटेड है वेन इट कम्स टू जंतर मंतर इन द सिटी एंड uh, ये जो है टाइम कीपिंग टेक्नोलॉजी को शो करती है एशियंट इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से ओके okay?

फिर आते हैं नासा ने डिस्कवर किया है एक्जो प्लानट टी ओ आई सेवन वन फाइव बी क्या ये सही है यस दिस इज आल्सो कम्प्लीटली करेक्ट सो नासा ने uh, जो ये हैबिटेबल एक जोन uh, लोकेट किया है दिस ऑर्बिट्स अराउंड अ स्मॉल वेरी स्मॉल रेडिश स्टार एंड इसको अब सुपर अर्थ के नाम से बोला जाएगा एंड इट इज ऑलमोस्ट वन टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ एंड विल बी टेकन अपैज़ कि यहाँ पे मे बी लाइफ सस्टेन कर पाएं सो येस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ऑफ मो स्पेंड टाइम इन स्पेस ब्रोक किया है किसने कॉस्मोनोट ओलेग ने और जो रिकॉर्ड है ऑफ गैनीडी पडाल का ये क्या किया है ब्रेक किया है फाइनली एंड दैट्स इम्पोर्टेंट सो रशियन जो कॉस्मोनोट हैं लाइक इन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है स्पेंड एट हंड्रेड एंड सेवेंटी एट डेज एंड ट्वेल्व आवर्स इन स्पेस ओके फिर आते हैं जियोलॉन्ग थ्री रॉकेट ये जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर लॉन्चिंग नाइन सेटेलाइट इन टू ऑर्बिट एंड इट इज डेवलप्ड बाय साउथ कोरिया दिस इज रॉन्ग ये चीजें सही हैं कि नाइन सेटेलाइट लॉन्च की हैं बट दिस इज डेवलप्ड बाय चाइना सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज फोर्थ आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू द पी डी एफ फॉर the same will be provided to you on incitosis uh, telegram channel make sure that you join it and revise these videos very nicely and it will be of a great use also uh, the last 50 seats you will be getting 500 off when it comes to jabaz batch make sure that you join it asap and be a part of the preparation make sure you also join telegram channel and do all the question practice etc as per to the timetable